नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख लीजिए टेक्स्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में आसूस वीवो बुक 15 का फुल रिव्यू देने वाले हैं। आपको साथ ही साथ बताएंगे इसके प्रोज और इसके कॉन्स और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये आपको मिलता है मेटालिक, फुल मेटालिक डिजाइन में आपको ये लैपटॉप मिलने वाला है। दो कलर से इसके रॉयल ब्लू और आइसलिक सिल्वर, हमें यहाँ पे सिल्वर मेटल कलर मिला है और काफी प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप हमें यहाँ देखने को मिलता है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी प्रीमियम है और लैपटॉप लाइट वेट होने के कारण आप ट्रेवलिंग के लिए काफी अच्छी तरीके से आप ले जा सकते हो। आपको साइड्स में काफी स्लिम पतला सा डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह सब उसके बहुत पतले हैं, शार्प जैसे, काफी अच्छा और काफी प्रीमियम लुक आपको मिलता है। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में एक और फीचर ऐड होता है कि आपको यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है। तो चलिए अभी पोर्ट्स की बात करते हैं। पोर्ट्स में आपको लेफ्ट साइड में मिलता है एक हीट सिंक का पूरा वेंट, उसके बाजू में 3.0 का 5 Gbps का पोर्ट और उसके बाजू में है 3.5 mm जैक। और राइट साइड की पोर्ट की बात करें तो आपको मिलता है SSD कार्ड स्लॉट, USB टाइप सी पोर्ट मिलता है रिवर्सेबल वाला और USB 3.1 10 Gbps वाला पोर्ट मिलता है आपको, एक HDMI पोर्ट मिलता है और चार्जिंग पोर्ट। तो ये था सारा पोर्ट्स का। तो पोर्ट्स में आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी, ज़्यादा यहाँ पे पोर्ट्स नहीं दिए पर कोई नहीं, यहाँ पे स्टाइलिश लुक देने के लिए पोर्ट्स की कमी की गई है। हमें यहाँ मिलता है फुल प्रीमियम लैपटॉप। तो चलिए फटाक से डिस्प्ले की बात करते हैं। तो आपने को डिस्प्ले में मिलता है यहाँ पे 15 इंच का डिस्प्ले, हालांकि तीन वेरियंट इसके निकले हुए तीन साइज में 13, 14 और 15। डिस्प्ले इसका काफ़ी कूल, काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्प्ले है। आपको मिलते हैं यहाँ पे 4 फ्रेमलेस नैनो एच डिस्प्ले 15 इंच के, जो कि कॉम्पैक्ट लैपटॉप में आपको 15 इंच का जो रेशियो यहाँ पे दिया गया है। फुल HD IPS डिस्प्ले, नैनो एच IPS डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। हालांकि डिस्प्ले का भी एक कौन है वो हम लास्ट में आपको बता देंगे। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स काफ़ी बेहतर है, आपको हर तरफ से कोई कलर डिस्टॉर्शन का कुछ इशू नहीं मिलेगा, कलर्स काफ़ी एक्यूरेट और परफेक्ट कलर मिलेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं कीबोर्ड्स और ट्रैक पैड की। तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्रैक पैड जो कि एक ग्लास कवर्ड इंटेलिजेंट पाम रिजेक्शन ट्रैक पैड हमें मिलता है, जो कि आपका सिर्फ 4 फिंगर्स ज़्यादा से ज़्यादा जेस्चर्स साइन ले सकता है। फुल सिल्वर मेटल पूरा प्लेट ट्रैक पैड हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी स्मूथ और काफ़ी वाइड है। तो कीबोर्ड्स की बात करें तो हमें यहाँ मिलते हैं फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड विद नम पैड। कीबोर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होते हैं यहाँ पर, एज अ राइटर आप हो तो आप कीबोर्ड इसके काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमने कीबोर्ड काफ़ी ज़ोर से प्रेस किया था, उसका पैनल जो है वो हिल रहा था, वो एक कौन बनता है। और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कीबोर्ड का जो आजू बाजू का जो फ्रेम है कीज को छोड़ के सब मेटेलिक है और कीज फीडबैक्स काफ़ी अच्छे थे। 1.7 mm का उसका ट्रैवल है। लैपटॉप पर जब लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, मतलब जब लीड ओपन होता है लैपटॉप का, 3% लैपटॉप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ताकि आप अच्छे से फीडबैक्स आपको अच्छे से मिले। कीबोर्ड्स बैकलाइट भी होते हैं, हमें ये रात को काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। हम हालांकि आज भी नहीं है, ये सिर्फ एक वाइट बैकलाइट कीबोर्ड है जिसका आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज या फिर बंद। तो चलिए अभी बात करते हैं कैमरा की। कैमरा आपको मिलता है 3D IR HD कैमरा, जो कि एक अच्छा कैमरा मैं बोल सकता हूँ। लैपटॉप के रेंज में हमें यह अच्छा कैमरा मिला है जो कि एवरेज क्वालिटी देता है, लेकिन आपको वेबकैम से जो भी आप स्काइप पे वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी करोगे वो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होने वाला है। लो लाइट में इसके फ्रेम ड्रॉप जैसे दिख जाते हैं, लेकिन दिन में आपको अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमने एक इमेज क्लिक किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अभी इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमें मिलता है इंटेल i7 8th जनरेशन
8565 प्रोसेसर 1.6 GHz पे क्लॉक किया हुआ प्रोसेसर है, इसे आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं 4.6 GHz तक। 4 कोर और 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसकी 8 MB कैश मेमोरी हमें मिलती है। और रैम की बात करें तो आपको 16 GB की DDR4 2400MH मेगाहर्ट्ज की रैम आपको मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपका लैपटॉप परफॉर्मेंस देगी। और साथ ही साथ आपको मिलता है 1 TB का NVMe M.2 SSD, जो कि काफ़ी बेहतरीन सैमसंग का M.2 SSD यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बूट टाइमिंग स्पीड आपका लैपटॉप जो भी है लैग इशू बिल्कुल नहीं है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इंटेल i7 का प्रोसेसर प्लस SSD जो कि M.2 है, तो प्रोसेसर रैम और हार्ड डिस्क सारा कॉम्बिनेशन एक टॉप नॉच है, तो फिर आपका लैपटॉप आपको नाराज नहीं करेगा। तो लैपटॉप के इंटरनल स्पेसिफिकेशन में और मिलता है आपको ग्राफिक कार्ड, जो कि NVIDIA का GeForce 1050 Max Q 2GB का ग्राफिक कार्ड है, जो कि एक नॉर्मल एवरेज ग्राफिक कार्ड है, जिसे आप कॉमन से गेम या फिर नॉर्मल से गेम, हैवी नहीं नॉर्मल से मीडियम से गेम आप खेल सकते हो। तो बैटरी बैकअप की बात करें तो हमें मिलती है यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से लेकर 11 आवर्स तक का बैटरी बैकअप। मल्टीमीडिया के लिए हमने पर्सनली यूज़ किया था, आपको मिलता है 37 वॉट आवर्स कोर सेल लिथियम पॉलीमर्स बैटरी, और इसका अडेप्टर 90 वाट का है, जो कि आपका लैपटॉप ऑलमोस्ट 1 आवर्स में कंप्लीट फुल्ली चार्ज कर देता है। और बैटरी ड्रेनिंग इसकी इतनी स्लो है कि आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आप ऑलमोस्ट 26% में इसे 4-5 आवर्स तक का यूज़ कर सकते हो। तो हमने कुछ वीडियो प्लेबैक की किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो इमेज क्वालिटी है, जो वीडियो रेंडरिंग है, वो कलर रिप्रोडक्शन है, काफ़ी बेहतर है। हमें सारे एंगल्स में हमने आपको दिखाने की कोशिश की, हालांकि एक कॉन आया था कि IPS डिस्प्ले की वजह से रिफ्लेक्शंस आ रहे थे, तो कुछ इमेजेस आप देख नहीं सकते थे, कुछ पार्ट लैपटॉप का आप एज अ रिफ्लेक्शन देख नहीं पाओगे, तो वो एक कॉन बन जाता है IPS डिस्प्ले का। यहाँ पे एंटी ग्लेयर्स नहीं है, इसकी वजह से आप वीडियो का जो साइड का रिफ्लेक्शंस वगैरह है उसको आप एज अ कॉन ले सकते हो। तो हमने इसका SSD का टेस्ट किया था, स्पीड कंपैरिजन। SSD एक नॉर्मल किंगस्टन की SSD थी और एक M.2 SSD, आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। M.2 NVMe PCIe का जो SSD है उसके परफॉर्मेंस आपको काफ़ी 3 गुना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। लैपटॉप की साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपको मिलता है यहाँ पे हरमन ऑडियो, जो कि एक अच्छा कॉमन सा बिलो अबव एवरेज में इसका रेटिंग दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी इतनी पावरफुल नहीं है जो मैं सोच रहा था। इसकी क्वालिटी आप नॉर्मल ऐसे एज अ अबव एवरेज आप देख सकते हो, इसमें आपको अच्छी साउंड क्लैरिटी यहाँ पे मिलती है, लेकिन जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी पावरफुल यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता। स्पीकर के प्लेसिंग काफ़ी परफेक्ट रखे है, जिसके कारण आपका जो साउंड है वो आपकी तरफ देखा जाए। तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है फेस डिटेक्शन की एक फैसिलिटी, जो फीचर्स है वो तो हमने जो सेट किया था वो सेट जल्दी से हो जाता है, और जो फेस अनलॉक फीचर है वो काफ़ी बेहतरीन काम करता है यहाँ पे, विद इन अ सेकेंड आपका लैपटॉप यहाँ पे ओपन कर देता है इन एनी कंडीशन, दिन में रात में लो लाइट में भी ये काफ़ी बेहतरीन काम करता है। यहाँ पे 2 सेंसर आपको एज अ ब्लिंक करते हुए दिखेंगे, जो कि एक डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे फेस डिटेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये था सब Asus VivoBook 15 का फुल रिव्यू, हमने इसके बहुत सारे कॉन्स देखे, प्रोज देखे, आपको बताएंगे अभी। तो चलिए सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एक फुल मेटल बॉडी डिज़ाइन में एक नैनो एज डिस्प्ले वाला फुल प्रीमियम लैपटॉप, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बेहतरीन इसकी लुकिंग्स है, परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है, उसके लिए बहुत बड़ा थम्स अप। तीसरा प्रोज है इसका फेस डिटेक्शन की परफॉर्मेंस, ये फेस डिटेक्शन कर सकता है काफ़ी अच्छी तरीके से, हमें कोई इश्यूज फिलहाल तो नहीं मिले, लेकिन ये फेस डिटेक्शन काफ़ी बेहतरीन कर सकता है। चौथा जो प्रो है इसका जो है कीबोर्ड और माउस ट्रैक पैड, काफ़ी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग रिजिड
कीबोर्ड और ट्रैकपैड है यहाँ पे, ग्लास कवर्ड ट्रैकपैड, स्ट्रॉन्ग कीबोर्ड्स बैकलाइट के साथ हमें मिलते हैं, जो कि काफी फीडबैक अच्छी टाइपिंग के लिए हमें देखने को मिलता है। तो ये सब था प्रोज। तो अभी बात करते हैं इसकी कॉन्स की। तो कॉन्स में सबसे पहले आता है इसका हीटिंग इशू। मेटल बॉडी के कारण लैपटॉप काफी हीट होता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं, और हीटिंग गेमिंग के वक्त काफी बढ़ जाती है। यहाँ पे बहुत नीचे का पैनल और ऊपर का पैनल यहाँ पे काफी हीट हो जाता है। दूसरे कॉन्स की बात करें तो हमें यहाँ पे कैमरा दिखाए जो कि एवरेज क्वालिटी बोल सकते हैं हम, इतना कुछ अच्छी इमेज पिक्सलिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे एक नॉर्मल सा कैमरा है जो कि 3D IR HD कैमरा उन्होंने बोला है। तो अगला कौन है इसका साउंड आउटपुट। तो हमें हर्मन गार्डन के स्पीकर जो मिलते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इसका जो साउंड आउटपुट है वो काफी लाउड हमें देखने को नहीं मिलता। थोड़ी सी यहाँ पे आउटपुट अगर ज्यादा होती तो ये एक साउंड आउटपुट के लिए काफी बेहतरीन पॉइंट होता। और उसके बाद कौन में आता है एक और डिस्प्ले का, क्योंकि डिस्प्ले हमें मिलता है काफी बेहतरीन। यहाँ पे IPS डिस्प्ले के कारण आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलते हैं, तो आपका जो जब काम करते रहेंगे तब आपके सामने जो स्क्रीन का रिफ्लेक्शन आएगा तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन जैसा होगा, जो कि हमें वीडियो देखते समय हो रहा था, काफी रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ा कौन है IPS डिस्प्ले का। और आखिरी कौन जो है हमारा वो है पोर्ट्स का। पोर्ट्स की कमी यहाँ पे दी गई है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पोर्ट्स की कमी तो है क्योंकि आपका लैपटॉप आपको प्रीमियम दिखाने के लिए थोड़े बहुत से पोर्ट्स की कटौती यहाँ पे कर दी गई है। तो ये वीडियो था Asus Vivo Book 15 का फुल ओवरव्यू, पैक रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू। तो क्या ये लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं? आपको ये लैपटॉप मिलेगा 1,40,000 ऑलमोस्ट की प्राइस है इसकी। तो आप अगर लेना चाहते हो तो आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आप एज अ ट्रैवलर, एज अ राइटर, एज अ मल्टीमीडिया, एज अ वीडियो एडिटर आप इस लैपटॉप को अच्छे से प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि ये आपको कभी नाराज नहीं करेगा। आपकी बैटरी बैकअप, आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफी टॉप नॉच में रहेगा। और अगर आप गेमिंग की सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं जी, आप यहाँ पे जाइए भी नहीं। आप जा सकते हैं Asus के टफ सीरीज में या फिर एसर के प्रेडेटर में। आप ये लैपटॉप गेमिंग एज अ गेमिंग प्रिफर में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हीटिंग इशू काफी है, गेमिंग आप हाई सेटिंग्स में नहीं खेल सकते। तो ये सब था Asus Vivo Book 15 का। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आते जरूर से लाइक बटन को हिट कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू GTEX यार। बाय।